गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों ये मेरा ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन का दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में मैंने आपको ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन में वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के बारे में बताया। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से हम ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन में काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करते हैं और लीनियर मोमेंटम कैलकुलेट करते हैं। बच्चों मेरे को ये चैनल मेरी बेटी ने बना करके दिया है, जिसका नाम उसने रखा है मेरे पिताश्री की पाठशाला। और इस पाठशाला में इस समय मैं आपको पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज मेरे यूट्यूब चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला पे मेरे पापा आपको ट्रांसलेशन प्लस रोटेशनल मोशन के बारे में बताएंगे। तो मैं पीछे आती हूँ, मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे। तो चलिए बच्चों आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और आज का मेरा जो टॉपिक है वो रोटेशनल मोशन में ट्रांसलेशन प्लस रोटेशनल मोशन का है। और ये मेरा ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन का दूसरा वीडियो है। बच्चों आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन में काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं, ठीक है, लीनियर मोमेंटम निकालते हैं, लीनियर मोमेंटम निकालते हैं और किस तरीके से हम निकालते हैं एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। ये तीन चीज हम सीखेंगे कि किस तरीके से निकालते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका डेरिवेशन किस तरीके से होता है। तो बच्चों सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिख के आपको दिखा देता हूं कि क्या होता है। वो ये होता है 1/2 mVCOm² प्लस 1/2 ICOm ω², ये होता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। लीनियर मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है वो सिंपल सा होता है, वो होता है mVCOm, जहां मास m है मास ऑफ द बॉडी और VCOm हमारा जो है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। और एंगुलर मोमेंटम जो बच्चों आता है वो होता है l आता है हमारा, वो आता है r क्रॉस mVCOm प्लस ICOm ω। ये हमारा तीनों फार्मूला होता है रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल मोशन में काइनेटिक एनर्जी का, लीनियर मोमेंटम का और एंगुलर मोमेंटम का, ठीक है। बच्चों आप इसका डायरेक्टली कहीं भी यूज कर सकते हो, बस यूज करने से पहले आपका कंसेप्ट पूरी तरह क्लियर होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि हमारा कौन सा जो है फिजिकल क्वांटिटी किस तरीके से हमारा निकलता है, तो आप इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हो। बच्चों आज के वीडियो में मैं आपको कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कराऊंगा, केवल इन तीनों का जो है एक्सप्रेशन किस तरीके से आता है उसका मैं आपको डेरिवेशन सिखाऊंगा। और सीखेगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही जो है कंसेप्चुअल है ये, ठीक है, कंसेप्चुअल है, बहुत ही पेशेंस के साथ इस वीडियो को देखेगा। काइनेटिक एनर्जी, लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम तीनों में हमारा एक टर्म यूज होता है वेलोसिटी का, इस चीज को नोट कर लीजिए, तीनों में हमारा एक टर्म होता है यूज वेलोसिटी का। और हमारी जो बॉडी कर रही है रोटेट वो हमारी कर रही है मोशन में है, वो ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन में हमारी बॉडी है, ठीक है। तो इसमें बच्चों हम लगाएंगे वी नेट का फार्मूला। हमारा जो है ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन जब कोई बॉडी करती है तो उसकी वेलोसिटी हम किस तरीके से निकालते हैं ये हमारा बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगर क्लियर नहीं है तो आप पहले इस वीडियो को रोक दीजिए, इससे पहला वाला वीडियो देखिए जो कि है मेरा वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन के ऊपर, फिर उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा, तब आपको बात बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगी। तो बच्चों सबसे पहले हम निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी दैट इज अंडर द मोशन ऑफ ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल। चलिए इसको हम करते हैं, ठीक है, इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सपोज करिए हमारे पास एक बॉडी है, उसका मास m है, रेडियस r है और जो है वो ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन में हमारी जो है मोशन कर रही है और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से वो घूम रही है। देखिए बॉडी हो गई, ये हो गया इसका सेंटर, ये हो गया इसका वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, इसको लिखते हैं हम बीसी, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से ये घूम रही है और ये है आर इसका रेडियस है, ठीक है बच्चों। अब हमको जो है इसका निकालना है काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मतलब कोई व्यक्ति यहां पर खड़ा हुआ है ग्राउंड के ऊपर, ये ग्राउंड है हमारा,
ठीक है, इसके रेस्पेक्ट में अगर देखते हैं तो हमारी काइनेटिक एनर्जी इसकी कितनी होगी ये हमको देखना है। ठीक है बच्चों, अब देखिए सपोज करिए कि ये हमारा जो है बॉडी जो है वो हमारी जो है बनी हुई है एन डिफरेंट पार्टिकल से मिलकर के बनी हुई है, जिसका मास है हमारा m1 m2 m3 mn इस तरीके से है। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी बच्चों हमारा फार्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है बच्चों वो होता है 1/2 mv2, ये होता है हमारा। ठीक है, अब यदि हम देखें तो यहां पर इसकी वेलोसिटी है हमारी vc, तो हम डायरेक्टली लिखते हैं। लेकिन बच्चों एक बात है यहां पर कि मैंने आपको बताया था कि जब कोई बॉडी हमारी ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन में होती है तो उसके हर एक पॉइंट का जो है हमारा वेलोसिटी अलग अलग होती है, ये बात मैं आपको बहुत डिटेल में बता चुका हूं। ठीक है, तो अब देखिए इसके हर एक पॉइंट की वेलोसिटी हमारी अलग अलग है जब, तो इसके हर एक पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी भी हमारी अलग अलग होगी। ठीक है, अलग अलग होगी, तो यानी कि हम क्या करेंगे इसके हर एक पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे पहले अलग अलग, फिर उठा करके उसको जोड़ देंगे तो हमारी नेट काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी पूरी बॉडी की जो कि ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन में है। ठीक है, ये हमारा हो गया पूरा कंसेप्ट। ठीक है, अब आप लोगों में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि वेलोसिटी अलग अलग कैसे होती है, तो हल्का सा मैं बता देता हूं, पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूं। देखिए ये हमारी बॉडी है, ठीक है, ये इसका सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है, ये ओमेगा से घूम रही है, तो इसके यहां पर एक टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी आर ओमेगा, यहां पे एक टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी आर ओमेगा, और यहां पे एक टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी आर ओमेगा, यहां पर हमारा वीसी होगा, यहां पर वीसी लगेगा, तो देखिए यहां पर जो नेट वेलोसिटी होगी वो होगी वी प्लस आर ओमेगा, यहां पर जो हमारी नेट वेलोसिटी होगी इस पॉइंट पे वो होगी वीसी माइनस आर ओमेगा, यहां पे कुछ और होगी, यहां पे कुछ और होगी बच्चों, जैसे वीसी हमारा इधर गया और आर ओमेगा हमारा इधर जाएगा, यहां पे देखेंगे तो देखिए वीसी हमारा इधर गया और आर ओमेगा इधर आएगा, यहां देखेंगे तो वीसी इधर गया और आर ओमेगा बच्चों हमारा इधर आएगा, तो इस वजह से हमारी हर एक पॉइंट की जो है नेट वेलोसिटी अलग अलग होगी और वो होगी हमारी ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल वेलोसिटी का जो होगा हमारा वेक्टर सम। ठीक है, अब देखिए यहीं से इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है कि हम जो है हर एक पॉइंट की नेट वेलोसिटी निकाल करके फिर उससे काइनेटिक एनर्जी निकाल करके फिर उसको जोड़ देंगे, तो देखिए हम किस तरीके से ये काम करते हैं। ठीक है, सपोज करिए कि हमारी एक बॉडी यहां पर इस तरीके से है, एक बॉडी में हमारे एक पॉइंट इस तरीके से है, इसका मास है m1 और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसकी जो वेलोसिटी है वो है बच्चों v1g, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 1 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये है हमारी, तो इसका जो हमारा काइनेटिक एनर्जी होगा बच्चों वो हम लिखते हैं KEL, वो होगा 1/2 m1 v1 g2, यही होगा, यही हमारा नेट होगा। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से सपोज करिए यहां पे कोई दूसरी बॉडी है हमारी, दूसरी पॉइंट है हमारा, दूसरी पॉइंट का मास है m2 और इसकी जो वेलोसिटी है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वो है v2g, इस तरीके से है, तो इसका जो मास होगा बच्चों वो हो गया m2 और वेलोसिटी नेट वेलोसिटी हो गई v2g, तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो हम इस तरीके से लिखते हैं और ये आ गई हमारी 1/2 m2 v2 g2, इस तरीके से ये हमारा आएगा। इस तरीके से सपोज करते हैं कि ये बॉडी हमारी n डिफरेंट पार्टिकल से मिलकर के बनी हुई है, जिसका मास m1 m2 m3 mn तक है और उसकी वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में v1g v2g v3g vng है, तो उसका जो काइनेटिक एनर्जी इसी तरीके से आएगा। अब हमको क्या करना है बच्चों, हमको करना है नेट काइनेटिक एनर्जी निकालनी है पूरी बॉडी की, तो देखिए काइनेटिक एनर्जी नेट जो होगी हमारी वो होगी हमारी काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड पार्टिकल, ठीक है, प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ थर्ड पार्टिकल, और इस तरीके से बढ़ता जाएगा एन पार्टिकल तक हमारा चला जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम क्या करते हैं, इन सबको उठा करके जोड़ देते हैं, एनर्जी हमारी एक स्केलर क्वांटिटी होती है तो ये स्केलर फॉर्म में जोड़ दी जाएगी, तो देखिए बच्चों क्या आती है हमारी, ये आएगी हमारी 1/2 m1 v1 g2 प्लस 1/2 m2 v2 g2 प्लस 1/2 m3 v3 g2, इस तरीके से ये हमारा चल जाएगा।
जहां पर हमारी v1g v2g v3g हमारा क्या है, वो है नेट वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, यहां तक आपको बात आ गई होगी समझ में। अब बच्चों ये कैसे निकालेंगे, यही इसमें मेन पॉइंट है, इसी को आप समझिए। पिछले वीडियो में मैंने आपको एक फार्मूला बताया था वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल पी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालने का, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल पी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालने का। सपोज करिए यहां पर कोई पार्टिकल हमारे पास है इस तरीके से पी, उसका यदि हमको निकालना है वेलोसिटी, तो एक फार्मूला मैंने आपको बताया था वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल पी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल पी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। इसका पूरा डिटेल मैं आपको बता चुका हूं और उसमें जो है कई तरीके से उसको यूज भी करवा चुका हूं। इस बात को आप याद रखिए, समझ लीजिए, अच्छा होगा कि आप समझ लीजिए। ठीक है, ये हमारा इस तरीके से हो गया। अब देखिए पार्टिकल पी हमारा कोई भी हो सकता है, सपोज करते हैं कि हमारा फर्स्ट पार्टिकल है, तो इसी के साथ देखेंगे वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये हमारा हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। इसी तरीके से वेलोसिटी ऑफ सेकंड पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आ जाएगा हमारा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस वेलोसिटी ऑफ सेकंड पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। वेलोसिटी ऑफ थर्ड पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आएगा हमारा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस वेलोसिटी ऑफ थर्ड पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। और इस तरीके से कहानी हमारी आगे चलती रहेगी एंड पार्टिकल तक। ठीक है, ये कैसे आया आप पूछ रहे हो, कैसे आया। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ, हम रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट लगाते हैं और देखिए क्या होगा, वो ये होगा वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल पी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल पी माइनस वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल सी। ये जो है हमारा जो है ये हमारा जो होगा वो होगा हमारा रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट। ये होता है बच्चों विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और ये होता है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इसको हम इधर ले आते हैं, तो देखिए क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल पी विद रिस्पेक्ट टू सी प्लस सी का मतलब सेंटर ऑफ मास प्लस ये इधर आएगा प्लस हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल पी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये हो गया वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल पी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बराबर हो जाएगा हमारा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल पी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। बच्चों ये जो फॉर्मूला था वो इस तरीके से रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट यूज करके हम लेके आए थे। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी, ना समझ में आई हो तो इस वीडियो को देखने से पहले पिछला वीडियो देख लें, फिर इस वीडियो को देखें। ठीक, अब देखिए यहां पर यही चीज हम यहां पे पुट करेंगे। देखिए क्या रहा, 1/2 m1, ठीक है, 1/2 m1 वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, ये हमारा इस तरीके से आ गया। ठीक है, प्लस 1/2 m2 वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसकी जगह रख रहे हैं ये वाला, प्लस वेलोसिटी ऑफ सेकेंड पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, इस तरीके से ये आ गया। ठीक है, यहां इस तरीके से हम इसको रखते जाएंगे, प्लस 1/2 m3 वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस वेलोसिटी ऑफ थर्ड पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, ये हमारा आ गया और ये इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, ये हमारा इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा आगे, इसको हम देखते जाएंगे। अब देखिए हम क्या करते हैं, इसको कर देते हैं स्क्वायर को, होल स्क्वायर को ओपन कर देते हैं, तो देखिए हमारे पास जो आ रहा है वो इस तरीके से आएगा 1/2 m1 v। हम एक काम करते हैं, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड को वीसी मान लेते हैं, थोड़ा लिखने में इजी हो जाएगा, वीसी मैंने इसको मान लिया, तो ये हमारा हो गया वीसी स्क्वायर प्लस v1c स्क्वायर प्लस 2v1c vc, ये आ गया इस तरीके से। यहां पे आ जाएगा 1/2 m2 vc स्क्वायर प्लस v2c स्क्वायर प्लस 2vc v2c, ये आ गया। और इसी तरीके से तीसरा वाला आ जाएगा 1/2 m3 vc स्क्वायर प्लस v3c स्क्वायर प्लस 2vc
V3C। इस तरीके से ये हमारा एक्सप्रेशन आ जाएगा और अब हम इसकी करेंगे एनालिसिस। तो देखिए ये VC स्क्वायर है, ये VC स्क्वायर है, ये VC स्क्वायर है, आगे जो पार्टिकल होंगे वो भी VC स्क्वायर आ जाएंगे, तो इसको हम एक साथ लिख लेते हैं। तो देखिए इस तरीके से आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/2 VC स्क्वायर M1 प्लस M2 प्लस M3 और इस तरीके से आगे बढ़ेगा। फिर दूसरा एक्सप्रेशन आएगा हमारा इसका, तो वो हमारे पास किस तरीके से आएगा, वो आएगा 1/2 M1 V1C स्क्वायर प्लस 1/2 M2 V2C स्क्वायर प्लस 1/2 M3 V3C स्क्वायर, ये आ गया। और प्लस इसके बाद आ जाएगा 1/2 M1 ये वाला टर्म, ठीक है, 1/2 M1 V1C VC प्लस 1/2 M2 V1C VC, इस टाइप से ये हमारा आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए हम इसको यहां पे ऐसे लिख देते हैं और ये हमारा आ गया, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, ये इस तरीके से आगे बढ़ता चला जाएगा, ये हमारा फुल एक्सप्रेशन हो गया। अब देखिए इसको इसको और इसको एक एक करके इसकी फाइनल वैल्यू निकालेंगे और देखेंगे कि हमारा क्या आता है, ठीक है, क्या आता है और फाइनल एक्सप्रेशन हमारा काइनेटिक एनर्जी का क्या निकलेगा जब हमारी बॉडी जो है मूव कर रही है ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन में, तब हमारा फाइनल एक्सप्रेशन क्या आता है। तो सबसे पहले बच्चों इसको देखते हैं, तो ये आ गया 1/2 VC स्क्वायर M1 प्लस M2 प्लस M3 M1 तक जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा मास ऑफ द बॉडी। तो बच्चों ये हो जाएगा 1/2 VC स्क्वायर इंटू M, ठीक है, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 1/2 MVC स्क्वायर, ये हो गया पहला। अब इसके बाद आते हैं इसके ऊपर, ठीक है, इसके बाद आते हैं हम इसके ऊपर, देखते हैं ये हमारा क्या चीज है, ठीक है। अब देखिए हमें हमको यहां पे क्या करना है, हमको जरा थोड़ी देर एनालिसिस करिए, V1C V2C और V3C और जो आगे चल रहा है उसका। बच्चों बॉडी हमारी रोटेट कर रही है ऐसे, ये हमने फर्स्ट पार्टिकल मारा था, ये इसकी डिस्टेंस सपोज करते हैं R1 है यहां से, ठीक है, और इस ये जो है यहां पर जो इसकी वेलोसिटी हमारी आएगी इस तरीके से, हमारा देखिए क्या है V1C, क्या है V1C है वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। फिर से सुनिए, V1C है हमारी वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। अब देखिए सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में फर्स्ट पार्टिकल क्या हो रहा है, रोटेट कर रहा है, ठीक है, सिर्फ एक ही वेलोसिटी है रोटेट की, यानी कि इसके ऊपर हमारे पास रोटेशनल वेलोसिटी होगी, यानी कि हमारा जो है होगा जो किसी मोमेंट पे जो इसकी वेलोसिटी आएगी वो टेंजेंशियली आएगी R1 ओमेगा, R1 हमारा ये हो गया, ओमेगा आएगा। तो बच्चों हम इसको लिख सकते हैं R1 ओमेगा। इसी तरीके से ये हमारा सेकंड पार्टिकल है, ये सपोज करते हैं R2 डिस्टेंस पे है, तो इसकी वेलोसिटी हमको मिलेगी, लीनियर वेलोसिटी जो होगी वो मिलेगी किसी मोमेंट पे R2 ओमेगा, और ये मिल जाएगी R3 ओमेगा, और ये सीरीज ऐसी n पार्टिकल्स तक चले जाएगी। तो बच्चों यहां पर जो हमारा आएगा वो आएगा 1/2 M1 R1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/2 M2 R2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/2 M3 R3 स्क्वायर प्लस R3 स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। इस तरीके से ये बच्चों आएगा, इसको जरा मैं ऊपर लिखता हूं और सॉल्व करके फिर आपको बताता हूं कि क्या आएगा, ठीक है। देखिए क्या हुआ, हमारे पास एक्सप्रेशन आया 1/2 M1 R1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/2 M2 R2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/2 M3 R3 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, इस तरीके से आ गया, ठीक है। तो इसको जब हम देखिए इसमें से 1/2 ओमेगा स्क्वायर कॉमन है, तो हमने इसको कॉमन ले लिया, 1/2 ओमेगा स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर आया M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर प्लस M3 R3 स्क्वायर, और इस तरीके से आगे बढ़ता चला जाएगा। अब देखिए ये क्या है, M1 R1 स्क्वायर बच्चों हमारा क्या आ रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फर्स्ट पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। तो बच्चों हम इसको I1 सपोज करते हैं, तो आ गया हमारा 1/2 ओमेगा स्क्वायर I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 और इस तरीके से ये हमारा N तक चला जाएगा IN, ठीक है। और ये बच्चों एक्सप्रेशन देगा हमें पूरी जो है बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 ओमेगा स्क्वायर I, ठीक है, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 1/2 ICOM ओमेगा स्क्वायर, सेंटर ऑफ मास के अबाउट हमने
मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसलिए लिया क्योंकि हम ये डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास के अबाउट लिख रहे हैं। तो बच्चों हमारे पास जो फाइनल इसकी जो वैल्यू आ गई वो आ गई 1/2 आई सी ओ एम ओमेगा स्क्वायर, ये हमारा यहाँ पे निकल के आया। अब हमारे पास ये टर्म बचता है और हम देखते हैं कि इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आती है, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आती है। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, जो एग्जांपल दूंगा उसको सोचिएगा दिमाग में और फिर आपको बात समझ में आ जाएगी। ठीक है बच्चों, देखिए ये हमारे पास यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास जो लिखा हुआ है उस चीज को आप देखिए और अप्लाई कीजिए V2C VC। ठीक है, ये हमारा इस तरीके से लिखा हुआ है। तो देखिए हम इसको लिखते हैं यहाँ पे, थर्ड जो पार्ट है इस एक्सप्रेशन का वो है 1/2 M1 V1C और V1C VC ये लिखा है। वन बाय टू M1 V1C VC ये है, प्लस 1/2 M2 V2C VC, प्लस 1/2 M3 V3C and VC ये है, और ये इस तरीके से चला जाएगा। जहां V1C बच्चों क्या है, V1C है हमारा वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ सेकंड पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ थर्ड पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, देखिए इसमें 1/2 और वीसी कॉमन है, हम इसको निकाल लेते हैं बाहर। तो आ गया हमारा 1/2 वीसी कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा M1 V1C प्लस M2 V2C प्लस M3 V3C और इस तरीके से चला जाएगा। अब बच्चों अगर हम इस पूरे एक्सप्रेशन को क्या करें, इस पूरे एक्सप्रेशन को डिवाइड कर दें किस चीज से, M1 प्लस M2 प्लस M3 और इस तरीके से, और इसको इसी से मल्टीप्लाई कर दें तो इसके ऊपर कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। ठीक है, हमने ऐसे कर दिया। ठीक है, अब जरा इसको आप देखिए, इसको आप देखिए, तो ये हमारे पास फार्मूला आ रहा है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का। यह रहा हमारा फार्मूला वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का। जो भूल गया हो वो सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट देख ले मेरे वीडियो में, ऊपर डाल दे सेंटर ऑफ मास आदर्श अग्रवाल, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। तो अब देखिए हमारा V1C है, V2C है, V3C है, यानी वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ सेकंड पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ थर्ड पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, और ये फार्मूला है हमारा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का। तो क्या आ जाएगा बच्चों, 1/2 VC इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। ठीक है, ये था फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, तो ये हमारा इस तरीके से आ गया। और यहां पर हमने जो इससे मल्टीप्लाई किया था उसको हम इस तरीके से लिख देते हैं। ठीक, अब देखिए बच्चों इस फैक्टर को जरा ध्यान से देखिए, इसी को समझना पड़ेगा। इसकी वैल्यू होगी जीरो, इसकी वैल्यू होगी जीरो। ठीक है, ये आएगा जीरो, और कुल मिलाकर जब ये जीरो आएगा तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन हो जाएगा जीरो, यानी कि यहां पे आ जाएगा हमारा जीरो, यहां पर हमारा आ जाएगा जीरो, इसको हम यहां पर कर देंगे जीरो। तो हमारा ये जीरो क्या आया, पहले तो इसकी बात करते हैं फिर आगे बताएंगे। देखिए हमारा जो एक्सप्रेशन आ रहा है वो आ रहा है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। सपोज करिए कि आप मोटरसाइकिल चला रहे हो, ठीक है, ड्राइवर हो, मोटरसाइकिल ड्राइव कर रहे हो, आप बैठे हो, तो आपकी वेलोसिटी आपके रिस्पेक्ट में कितनी होगी, जीरो होगी। ठीक है, जीरो होगी। अपने रिस्पेक्ट में आप अपनी वेलोसिटी कितनी रखोगे, जीरो रखोगे। गाड़ी चलाते समय आपको ये नहीं लगता कि आपकी कुछ वेलोसिटी है, आप अपने आप को रेस्ट में फील करते हो। जो व्यक्ति आपको बाहर से देखेगा, सपोज करिए रोड पे कोई खड़ा है, वो आपको देखेगा, वो देखेगा हाँ इसकी वेलोसिटी है। आपकी खुद की वेलोसिटी आपके रिस्पेक्ट में जीरो होगी। अच्छा, बात आपको नहीं समझ में आ रही है। सपोज करिए आप गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी पे आपके साथ आपका फ्रेंड पीछे बैठा हुआ है, अब उसके रिस्पेक्ट में आपकी वेलोसिटी कितनी होगी, आपके फ्रेंड के रिस्पेक्ट में आपकी वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो, क्योंकि जो वेलोसिटी आपकी है वही उसकी है। तो दोनों की एक दूसरे के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो। अब सपोज करिए कि दोनों सेंटर ऑफ मास में है, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास हमारी हो गई जीरो। तो ये फैक्टर हो जाएगा हमारा जीरो, और कुल मिलाकर के ये पूरा एक्सप्रेशन ये वाला हो जाएगा जीरो। ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास बचा क्या, हमारे पास जो फाइनल एक्सप्रेशन आया काइनेटिक एनर्जी नेट, वो देखिए क्या आया, वो मैं आपको यहां लिख के बताता हूं, और लिख करके हम बताते हैं यहां पर, और उसको आप ध्यान रखिएगा। काइनेटिक एनर्जी नेट, नेट
ऑफ ए बॉडी दैट इज अंडर ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन वो आएगा हमारा 1/2 mvcom² + 1/2 icom ω² ये बच्चों हमारा फाइनल एक्सप्रेशन आता है किस चीज का, काइनेटिक नेट काइनेटिक एनर्जी उस बॉडी का जो कि ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन में है। ये देखिए ये यहां आया था, ठीक है ये आया था और तीसरा टर्म हमारा हो गया था जीरो, तो इस वजह से ये हमारा आया इसका एक्सप्रेशन। इसको आप ढंग से याद कर लीजिए, इसका बहुत बड़ा यूज है आगे रोलिंग मोशन में। और जब मैं आपको पढ़ाऊंगा रोलिंग मोशन ऑन एन प्योर रोलिंग ऑन इंक्लाइंड प्लेन, उसमें सबसे ज्यादा यही फार्मूला यूज होता है और गलतियां खूब होती हैं। अगर आपको बात समझ में आ गई है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ गई है तो 2-3 बार इस वीडियो को देखिए, कंसेप्ट को समझ लीजिए, लिख के प्रैक्टिस करिए क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत होता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए मोशन करने वाली जो बॉडी होती है उसके अंदर होता है हमारे पास मोमेंटम। अब ये मोशन हमारा कैसा कर रहा है, ये मोशन हमारा कर रहा है लीनियरली भी और रोटेशनली भी, तो इसके अंदर दोनों तरीके का मोमेंटम होगा, लीनियर मोमेंटम भी होगा और एंगुलर मोमेंटम भी होगा। अब जो है मैं आपको निकालना सिखाऊंगा लीनियर मोमेंटम हम किस तरीके से निकालते हैं और एंगुलर मोमेंटम हम किस तरीके से निकालते हैं, ये मैं दोनों आपको निकालना अब मैं बताने जा रहा हूं। तो देखिए किस तरीके से ये निकलेगा, ठीक है किस तरीके से निकलेगा। देखिए बच्चों ये हमारे पास कोई एक राउंड शेप बॉडी है, ठीक है, और इसके सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है वो है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वो है वीसी, ठीक है, यानी कि vcg = vc ऐसा हम मान रहे हैं, ठीक है। और ये क्या है, ये हमारी ओमेगा वेलोसिटी से एंगुलर वेलोसिटी है इसकी, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है और इसका रेडियस है हमारा आर, इसका रेडियस है हमारा आर, ठीक। अब देखिए कंसेप्ट इसमें फिर वही लगता है कि जब हमारी कोई भी बॉडी ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन में होती है तो उसके हर एक पॉइंट की वेलोसिटी नेट वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अलग अलग होती है, ठीक है अलग अलग होती है, ये बात मैं आपको समझा चुका हूं। क्यों होती फिर से बता दूं, क्योंकि देखिए बॉडी की जैसे सपोज करिए यहां पर हम कोई पॉइंट लेते हैं तो उसके अंदर एक हमारे पास ट्रांसलेशनल वेलोसिटी होगी और दूसरी होगी रोटेशनल वेलोसिटी जो कि होगी r1 ω और नेट वेलोसिटी होती है इन दोनों का वेक्टर सम जो कि हर पॉइंट पे अलग अलग निकलेगा। इसलिए इसकी जो आएगी वेलोसिटी हर एक पॉइंट की ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन वाले की वो अलग अलग आएगी, वो हमको कैलकुलेट करना आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ कि हमको निकालना है इसका लीनियर मोमेंटम। यहां पर कोई एक सज्जन खड़े हैं, ये पॉइंट है हमारा एक्स, ये पॉइंट है हमारा एक्स और यहां पर एक सज्जन खड़े हैं, ये ग्राउंड पे खड़े हैं, ये हमारा ग्राउंड है और ग्राउंड के रेस्पेक्ट में हमको इसका निकालना है लीनियर मोमेंटम, ठीक है। और लीनियर मोमेंटम बच्चों होता है हमारा वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है वेक्टर क्वांटिटी होता है। अब देखिए क्या है, वेक्टर होता है ये, अब क्या होता है जब इसकी वेलोसिटी हर एक पार्टिकल की अलग अलग होगी तो हम क्या करेंगे, पूरी बॉडी का जब हम निकालेंगे लीनियर मोमेंटम तो हम करेंगे क्या कि हर एक पॉइंट का लीनियर मोमेंटम निकालेंगे और उसका हम सम कर देंगे वेक्टर के हिसाब से, वेक्टर के हिसाब से उसका सम कर देंगे तो हमारा जो है पूरी बॉडी का लीनियर मोमेंटम निकल आएगा, ठीक है बच्चों ये हमारी हुई बात। अब देखिए सपोज करते हैं कि हमारी जो है बॉडी ये m1, ठीक है m2 m3 इस तरीके से n पार्टिकल से मिलकर के बनी हुई है और m1 का जो वेलोसिटी है वो है हमारा v1g विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ सेकंड पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ थर्ड पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो इसका जो लीनियर मोमेंटम आ रहा है बच्चों वो आ रहा है p1, वो आ रहा है हमारा m1 v1g और p2, ये आ रहा है हमारा m2 v2g और आ रहा है p3, ये आ रहा है हमारा m3 v3g, इस तरीके से हमारा आ रहा है। अब हमें क्या निकालना है, बॉडी का नेट मोमेंटम निकालना है, ठीक है तो क्या होगा, वो होगा हमारा p1 प्लस p2 प्लस p3 प्लस p4 इस तरीके से ये हमारा n टाइम्स तक चला जाएगा, ठीक है n टाइम्स तक चला जाएगा। अब देखिए ये हमारा क्या है, ये है हमारा
m1v1g ठीक है प्लस m2v2g प्लस m3v3g इस तरीके से ये हमारा आ रहा है और ये हमारा चला जाएगा n टाइम्स तक, ये हमारा यहाँ पे चला जाएगा ठीक है। अब बच्चों हम देखेंगे v1g क्या होता है, v2g क्या होता है, v3g क्या होता है, ये अभी हम काइनेटिक एनर्जी के एक्सप्रेशन में देख चुके हैं, लेकिन मैं आपको फिर से एक बार बताता हूं ताकि आपका रिवाइज हो जाए। बच्चों हमने जो वेलोसिटी वाले वीडियो में पढ़ा था वो ये था वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल पी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, ये हमने आज से पढ़ा था ठीक है, ये हमारा था। अब देखिए हम क्या इसी का यूज करके जाएंगे, वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, ये हमारा आ गया। वेलोसिटी ऑफ सेकंड पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो आएगा हमारा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस वेलोसिटी ऑफ सेकंड पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ थर्ड पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस वेलोसिटी ऑफ थर्ड पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, और ये इस तरीके से एन पार्टिकल्स के लिए हमारा चलता चला जाएगा ठीक है। फिर से बताऊं कि ये आया कहां से, चलिए सीख लीजिए, यही काम की चीज है, रोलिंग मोशन में यही काम की चीज है, देख लीजिए। इसमें हम लगाते हैं कंसेप्ट रिलेटिव मोशन का ठीक है, रिलेटिव मोशन क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, ये हमारा आएगा वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल पी माइनस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ठीक है, ये क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हम इसको इधर ले आएंगे तो हमारा एक्सप्रेशन बनेगा वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल पी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस ये इधर आके प्लस हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बराबर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल पी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये आ गया। इसको हम कायदे से लिख दें, उसी फॉर्म में लिख दें तो ये इधर लिखेंगे तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल पी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल पी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, देखिए जो ये है वही ये है और इसके हेल्प से हमने डिफरेंट पार्टिकल की वेलोसिटी इस तरीके से लिख ली। अब हम क्या करते हैं v1g v2g v3g की वैल्यू यहां पर पुट करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो देखिए क्या आया, ये आया m1 v1g आया है vc ठीक है vc vcg प्लस v1c इस तरीके से आ गया, ये आया m2 vcg प्लस v2c ठीक, और प्लस आया हमारा m3 vcg प्लस v3c इस तरीके से, ये हमारा आ गया और इसको हमने इस तरीके से लिख दिया ठीक है। हम यहां देखिए vcg को vc मान चुके हैं तो उसी का हम यूज करेंगे, देखिए क्या आया m1 vc प्लस m1 v1c ठीक है, m1 vc प्लस m1 v1c प्लस ये आया m2 vc प्लस m2 v2c प्लस m3 vc प्लस m3 v3c इस तरीके से ये हमारा आ गया और ये सब हमारा वेक्टर के फॉर्म में रहेगा। अब देखिए ये वाले टर्म हम एक पास लिखते हैं तो देखिए हमारा क्या आ जाएगा m1 vc प्लस m2 vc प्लस m3 vc, ये हमारा ऐसे बढ़ता चला जाएगा, आगे आएगा हमारा m1 v1c प्लस m2 v2c प्लस m3 v3c, ये हमारा ये आ गया इस तरीके से हम इसको लिख लेंगे। अब बच्चों इसकी एनालिसिस करते हैं तो देखिए क्या हुआ v1c इसमें से हम कॉमन ले लेंगे तो आ गया v1c इस तरीके से और ये आ गया m1 प्लस m2 प्लस m3 इस तरीके से m3 प्लस ये आ गया है और ये अलग आ रहा है, इसकी अभी बात हम करेंगे बाद में ठीक है। ये देखिए m1 प्लस m2 प्लस m3 ये हमारा क्या हो जाएगा बॉडी का पूरा मास हो जाएगा और ये हो गया vvc यानी कि vcom आ गया। अब देखिए इधर क्या आता है उसकी बात करते हैं ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं इस एक्सप्रेशन को थोड़ा हम ऊपर लिखेंगे और फिर इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे, आपको बात समझ में आ जाएगी ठीक है, डिटेल में बात करेंगे आपको बात समझ में आ जाएगी। तो देखिए क्या है ये ठीक जो लिखा है इसको हम एज इट इज यहां लिख रहे हैं, क्या गया m1 v1c प्लस m2 v2c प्लस m3 v3c एंड सो ऑन चला जाएगा, ये सब वेक्टर है ठीक है।
अब देखिए ये वही कहानी फिर है जो अभी मैंने काइनेटिक एनर्जी के एक्सप्रेशन को डिराइव करने में की थी, मैं आपको फिर से बताता हूं। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं m1 प्लस m2 प्लस m3 एंड सो ऑन से और मल्टीप्लाई कर दूं इस तरीके से, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी किसी को, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए इसको देखिए, इसको देखिए, तो ये हमारा जो एक्सप्रेशन आ रहा है ये आ रहा है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास का। देखिए वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ सेकेंड पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ थर्ड पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, यानी इससे जो हमारा निकलेगा वो निकलेगा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। तो बच्चों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा VCOM, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, और इससे यहां पे ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, ठीक, ये हमारा इस तरीके से आ गया। बच्चों ये होगा जीरो। जीरो क्यों होगा, क्योंकि वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में जीरो होगी हमेशा। वही बात कि हम मोटरसाइकिल चला रहे हैं तो हमारी अपनी वेलोसिटी खुद हमारे रेस्पेक्ट में कितनी होगी, जीरो। दूसरा हमें देखेगा तो उसको हम आगे जाते हुए दिखाई देंगे। तो ये बच्चों हो गए जीरो, तो ये पूरा हो गया जीरो, तो ये भी हो गया जीरो। तो फाइनली हमारे पास जो पी नेट का फॉर्मूला आया, पी नेट यानी कि नेट मोमेंटम, नेट लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी दैट इज अंडर ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन, वो हमारा आएगा MVCOM, वो आएगा हमारा MVCOM, और ये हमारा हो गया इसका प्रूफ, ये हो गया हमारा इसका प्रूफ। हम इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, बस हमको कभी जो है वेलोसिटी अलग अलग तरीके से दे रखी होगी उसको हमको निकालना पड़ेगा और हम इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब चलिए इसके बाद जो हम निकालते हैं वो निकालते हैं कि इसी बॉडी की, जो ये बॉडी हमारी इस कंडीशन में रोटेट कर रही है और ट्रांसलेशन मोशन में भी है, इसका जो है एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। बच्चों अब जो मैं आपको करवाने जा रहा हूं, इसको करने के लिए आप जो है पेशेंस रखिएगा, घबराइएगा मत, ठीक है, घबराइएगा मत, वीडियो को धीरे धीरे देखिएगा, कैलकुलेशन की मिस्टेक मत करिएगा, और जो है कैलकुलेशन की मिस्टेक मत करिएगा, और जो है बार बार प्रैक्टिस करिएगा, और ये मत सोचिएगा कि समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन टिपिकल है और कुछ नहीं है, कैलकुलेशन टिपिकल है और कुछ नहीं है, कंसेप्ट वही है जो अभी तक मैंने आपको बताया है, ठीक है। बच्चों देखिए ये हमारी एक बॉडी है, ठीक है, जिसका सेंटर ऑफ मास की लीनियर वेलोसिटी हमारी बीसी है, ठीक है, सी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बीसी है हमारी, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से ये रोटेट कर रही है, और आर इसका रेडियस है, और ये हमारी ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन में है। एक सज्जन यहां एक्स पॉइंट पे खड़े हैं, ये ग्राउंड से इसको देख रहे हैं, और इनके रेस्पेक्ट में हमको क्या बताना है, इनका इनके रेस्पेक्ट में हमको इनका बताना है एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम हमको इनका बताना है, ठीक है। अब देखिए फिर वही बात फिर वही कि अगर कोई बॉडी हमारी ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन में है तो उस बॉडी के हर एक पॉइंट की वेलोसिटी अलग अलग होती है, क्योंकि एक वेलोसिटी होती है उसकी ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से और दूसरी वेलोसिटी होती है उसकी रोटेशनल मोशन की वजह से, और दोनों का वेक्टर सम हमारा आता है नेट वेलोसिटी, जो कि हमें मिलती है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वो हर पॉइंट की अलग अलग होती है। कैसे होती है चलिए एक बार फिर से बता देता हूं। ये हो गया हमारा, ये पॉइंट है, इसकी ट्रांसलेशन वेलोसिटी इधर होगी और लीनियर वेलोसिटी ऐसे होगी, ये देखिए अलग आ गई, यहां पे देखेंगे तो ये ऐसे आएगा, ये ऐसे आएगा, ये देखिए अलग आ गया, कहीं पर भी निकालेंगे हर जगह हमारा आएगा अलग अलग, डिफरेंट डिफरेंट आएगा इस तरीके से, यहां निकालेंगे अलग आएगा, यहां निकालेंगे अलग आएगा, यहां निकालेंगे अलग आएगा, सेंटर ऑफ मास का केवल सेम होगा, ठीक है, सेंटर ऑफ मास का केवल हमारा सेम होगा। तो ये हो गई बात। अब देखिए क्या हुआ कि जब इसके हर एक पॉइंट की वेलोसिटी अलग अलग है, तो इसके हर एक पॉइंट की इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में एंगुलर मोमेंटम भी अलग अलग होगा। पहली बात तो मोमेंटम अलग अलग होगा और फिर उसके बाद एंगुलर मोमेंटम भी अलग अलग होगा। कैसे होगा चलिए बताते हैं। ये हमारा पॉइंट हो गया, सपोज करिए कोई पॉइंट है और इसका मास है हमारा m1 और वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है जो है वो है v1g, ये हमने इस तरीके से मान लिया। अब देखिए क्या है
इसका जो लीनियर मोमेंटम होगा वो होगा हमारा m1 v1 g, यही होगा ना। और एंगुलर p1 हम लिख लेते हैं, p1 हमारा ये निकला। अब देखिए एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है वो होता है r क्रॉस, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है वो होता है r क्रॉस p, ठीक है, यही तो होता है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम होता है l बराबर r क्रॉस p। अब हमें पहले पार्टिकल की निकालनी है, तो ये हो जाएगा l1 और ये हो जाएगा r1 क्रॉस p1, ये आ गया, ठीक है। अब थोड़ा सा देखते हैं r1 क्या है, ठीक। देखिए ये है सेंटर ऑफ मास c, इसकी डिस्टेंस यहां से हम सपोज कर लेते हैं क्या है rc, ठीक है, और ये हमारा है फर्स्ट पार्टिकल, इसकी डिस्टेंस हम सपोज कर लेते हैं ये हमारी r1, ठीक है, ये डिस्टेंस हमारी है r1, तो ये हमारी हो गई r1 और ये हो गई p1, p1 हमने ये निकाला है, इसको हम यहां रखते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा r1 क्रॉस, ठीक है, m1 v1 g, इस तरीके से हो जाएगा और ये आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। अब देखिए सेकंड पार्टिकल हम सपोज कर लेते हैं कि हमारा यहां पे है और यहां से जो इसकी डिस्टेंस है वो है हमारी r2, ठीक है, r2 है, हमने इसको इस तरीके से यहां पे लिख दिया, c को हम थोड़ा यहां लिख देते हैं, ये हमारी r2 हो गई। तो दूसरे पार्टिकल की जो हमारी लीनियर मोमेंटम होगा वो होगा बच्चा m2 v2 g, इस तरीके से होगा। अगर इसकी मास m2 है और वेलोसिटी नेट वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है v2g, तो ये निकलेगा। इसका जो एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इस पॉइंट के अबाउट होगा वो होगा बच्चों हमारा r2 क्रॉस p2, ठीक है, मोमेंट ऑफ मोमेंटम, तो ये हो जाएगा हमारा r2 क्रॉस m2 v2 g, ये हमारा इस तरीके से आएगा। और फाइनली जो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं m2 r2 क्रॉस v2 g, ठीक है, ये देखिए आ गया हमारा l2, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, और ये आ गया l1, ये सिर्फ वेक्टर के फॉर्म में है। देखिए पहले पार्टिकल का जो एंगुलर मोमेंटम आया वो आया r1 इंटू m1 g, इसी तरीके से ये आ रहा है, इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं m1 इंटू या m1 r1 इंटू v1 g, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा एंगुलर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेकंड पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इस तरीके से हमने n पार्टिकल्स माने हैं तो हमारा सब सम हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हमें निकालनी है नेट एंगुलर मोमेंटम ऑफ द होल बॉडी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो हम क्या करेंगे कि हर एक पार्टिकल की एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकाल करके उसका वेक्टोरियल सम कर देंगे तो हमारी पूरी बॉडी का आ जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं कि ये हमारा किस तरीके से होता है, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, मैं इरेज करके यहाँ पे फाइनल एक्सप्रेशन लिखता हूं, ठीक है, जो हमारा निकल के आएगा, ठीक। तो देखिए बच्चों हमारा जो नेट एंगुलर मोमेंटम आएगा, देखिए क्या आएगा, एल नेट, ठीक है, एल नेट आएगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वो क्या आएगा बच्चों, वो आएगा एल वन, ठीक है, प्लस एल टू प्लस एल थ्री प्लस एल फोर, ठीक है, और इस तरीके से ये हमारा चला जाएगा एन टाइम्स, ये हमारा आ गया एन टाइम्स, ठीक। अब देखिए क्या है, इसमें जब हम करेंगे तो हम वैल्यू रखेंगे एल वन की, जो कि आई थी हमारी एम वन आर वन क्रॉस वी वन जी, ये आया था L1 R1 क्रॉस V1G प्लस M2 R2 क्रॉस V2G, ठीक है, और प्लस आएगा हमारा M3 R3 क्रॉस V3G, इस तरीके से ये हमारा आएगा फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ नेट एंगुलर मोमेंटम, ऑफ नेट एंगुलर मोमेंटम हमारा जो निकल के आएगा वो ये आएगा। अब हमको इसको कैलकुलेट करना है और सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना है, ठीक है, ये हमारा टारगेट बचा, उसके बाद ये जो है काम पूरा हो जाएगा और वीडियो भी आज का खत्म हो जाएगा। अब देखिए R1 V1G, R2 V2G, R3 V3G, इसकी हमें करनी है एनालिसिस और देखिए हमारे पास क्या आएगा, और बहुत ही पेशेंस के साथ समझिएगा क्योंकि यहां से मामला होने जा रहा है टिपिकल, ठीक है। तो बात हम वही करते हैं, पहले वेलोसिटी की बात कर लें, तो v ऑफ पार्टिकल p विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल p विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, ये कंसेप्ट हम लगा रहे थे, ये होगा v1g बराबर
वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास v2g यानी कि वेलोसिटी ऑफ सेकंड पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमारा क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस वेलोसिटी ऑफ सेकंड पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास वेलोसिटी ऑफ थर्ड पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बराबर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस वेलोसिटी ऑफ थर्ड पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, ये आएगा ऐसे चलता जाएगा एन के लिए। ठीक, अब देखिए R1, R2, R3 का हम क्या करेंगे, क्योंकि हर एक के लिए अलग अलग होगा। ठीक है, हर एक के लिए अलग अलग ये आएगा। तो बच्चों देखिए हम क्या करते हैं, ये हमारा फर्स्ट पार्टिकल है, ये हमारा सेकंड पार्टिकल है, ऐसे बहुत ढेर सारे पार्टिकल इसके अंदर होंगे। ठीक है, ये देखिए ये हमारा क्या है, सेंटर ऑफ मास से यहाँ की दूरी जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों आरसी से, और ये हमारा सी, ये पॉइंट हमारा सी है। ठीक है, अब देखिए ये हो गया आरसी, ये हो गया R1, और इस डिस्टेंस को हम कंसीडर कर लेते हैं, सपोज करिए इसको हम कंसीडर कर ले रहे हैं R1C, मतलब सेंटर ऑफ मास से इसकी दूरी R1C, ये हमारा यहां पर इस तरीके से आ गया, और ये हमारा हो जाएगा R2C। ठीक है, ये हमारा देखिए इस तरीके से ये हो गया, ये भी पोजिशन वेक्टर है, ये भी पोजिशन, और ये पोजिशन वेक्टर ऐसे हो गया, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया। अब बच्चों इसको उठाइए, ये जो है उठाइए इस तरीके से, तो देखिए कैसा बनेगा, ये कुछ ऐसा बनेगा, देखिए ऐसा बन रहा है, चाहे ऊपर वाले के लिए चाहे वजह। अब देखिए इसका एरो इधर है, इसका इधर है, और इसका है हमारे पास इस तरीके से, ये है हमारा आरसी, ये है हमारा R1, और ये है हमारा R1C, इस तरीके से आ रहा है, ये पोजिशन वैक्टर है इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में। ठीक है बच्चों, अब चलिए वैक्टर के चैप्टर में, वेक्टर के चैप्टर में हमने आपको पढ़ाया था वेक्टर एडिशन थ्रू ट्रायंगल रूल। उसमें क्या था कि एक हमारा वेक्टर ए इस तरीके से था, दूसरा वेक्टर बी इस तरीके से था, और इसका रिजल्टेंट कुछ इस तरीके से आता था जिसको हम लिखते थे आर, तो आता था हमारा आर बराबर ए प्लस बी। ठीक है, इसमें क्या होता था कि पहले वेक्टर के हेड से दूसरे का टेल रखा जाता था, और रिजल्टेंट इसे मिलता था, पहले वेक्टर के टेल से टेल मिलेगा, दूसरे वेक्टर के हेड से हेड मिलेगा। देखिए यहां पे क्या हो रहा है, यदि इसी को हम अप्लाई करें तो हमारा आएगा आरसी प्लस R1C इक्वल टू R1। R1 हमारा रिजल्टेंट हो गया, आरसी प्लस R1C ये हमारा यहां पर निकल के आ रहा है। ठीक है, ये बात आपको वेक्टर के ट्रायंगल रूल से करनी है, और आपको समझ में भी आ गई होगी, अगर आपको वो पढ़े हुए बहुत दिन हो गए तो प्लीज एक बार उसको रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, रिवाइज कर लीजिए, रिवाइज करने से जो है हमारे जो है कॉन्फिडेंस बढ़ता है। मैं कहता हूं रिवीजन मेक्स डिवीजन, तो अगर आपको डिवीजन बनाना है तो रिवीजन को आप करते रहिए। ठीक है, तो हमारा क्या आ गया, ये देखिए आया R1 जो आया वो बच्चों आया RC प्लस R1C, ये हमारा आ गया R1। इसी तरीके से जब हम R2 निकालेंगे तो R2 आ जाएगा हमारा RC प्लस R2C, R3 निकालेंगे वो आ जाएगा हमारा RC प्लस R3C, इस तरीके से ये हमारा आता जाएगा, इस तरीके से ये हमारा आता जाएगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब जो काम हम करेंगे वो ये करेंगे कि R1 ये और V1G ये, इसकी वैल्यू यहां रखेंगे, R2 ये और V2G की वैल्यू यहां रखेंगे, R3 ये और इसकी इस तरीके से रखते जाएंगे वैल्यू, फिर इसको फाइनली कैलकुलेट करेंगे। और बच्चों अब यहां से रखिएगा थोड़ा सा सब्र, क्योंकि ये एक्सप्रेशन अपना जो है विकराल रूप लेने वाला है, थोड़ा सा बड़ा रूप लेने वाला है। तो देखिए हम क्या करते हैं, देखिए अब हम R1 और V1G की वैल्यू यहां रखेंगे और फिर इसको कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए क्या आता है M1, ठीक है, R1 हमारा क्या होगा RC प्लस R1C इंटू V1G हमारा क्या होगा VC प्लस V1C, इस तरीके से लिखा है बच्चों, हमारा VCG जो है VC के बराबर हमने मान रखा है, इसलिए हमने यहां पे इस तरीके से लिख दिया, ये हमारा आ गया ऐसे। ठीक है, प्लस M2 और इंटू आएगा हमारा R2 हमारा आ रहा है RC प्लस R2C, ठीक है, इंटू ये आएगा V2G जो आएगा हमारा, वो आएगा VC प्लस
वी टू सी, इस तरीके से हमारा एक एक्सप्रेशन आएगा और ये एक्सप्रेशन हमारा एन पार्टिकल्स के लिए बनता चला जाएगा। बच्चों हम इसको करने जा रहे हैं मल्टीप्लाई, देखते हैं क्या आता है। तो देखिए हमारे पास जो आ रहा है उसको मैं लिखता हूं साफ साफ, वो आ रहा है एम वन, ठीक है, आरसी वी सी ठीक है, और प्लस उसके बाद आएगा आरसी वी वन सी ठीक है, प्लस आर वन सी इंटू वी सी आ गया, प्लस आया आर वन सी और वी वन सी, ये हमारे पास इस तरीके से एक्स एक्सप्रेशन आ गया। दूसरा आएगा बच्चों हमारा एम टू आर सी वी सी, प्लस आया आर सी वी टू सी, प्लस आया आर टू सी वी सी, और प्लस आया हमारा आर टू सी, और फिर आया ये हमारा वी टू सी। इस तरीके से एक्सप्रेशन आया, थोड़ा एक्सप्रेशन बड़ा हो जाता है, समझ के करिएगा, कॉपी पेन हाथ में रखिएगा, अपने साथ करते जाइएगा, और मेरे से कहीं कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ कर दीजिएगा, वैसे मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि गलती ना हो, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब देखिए इसमें से हम क्या करेंगे, देखिए आरसीबीसी इसमें भी है, आरसीबीसी इसमें भी है, ये हमारा ये गलत हो गया, आरसीबीसी इसमें भी है, इस तरीके से है, तो हम इसको जो है थोड़ा सा जो है सेग्रीगेट करके लिखते हैं, अलग अलग लिखते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या आया एम वन, ठीक है, या एम वन, या ऐसे करेंगे, देखिए आरसीबीसी इसमें भी आ रहा है, आरसीबीसी इसमें भी आ रहा है, तो हमारा आरसीबीसी आ जाएगा कॉमन, और अंदर आएगा एम वन प्लस एम टू प्लस या ऐसे आगे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है, ये हमारा पहला टर्म हो गया। दूसरा टर्म ये है, और देखिए इसमें क्या आएगा एम वन आर सी वी वन सी, और इसमें आएगा एम टू आर सी वी टू सी। तो बच्चों क्या हो रहा है, यहां पर हमारा आर सी कॉमन आ रहा है, तो आर सी को निकाल दीजिए बाहर, और अंदर आ रहा है एम वन वी वन सी प्लस एम टू वी टू सी, ये आ रहा है, ठीक है, इसको हम इस तरीके से करके यहां रोक देते हैं, ठीक। अब देखिए तीसरा टर्म आ रहा है, यह आएगा एम वन आर वन सी वी सी, यह रहा है एम वन आर वन सी वी सी, और यह आएगा एम टू आर टू सी वी सी, इसमें वी सी हमारा कॉमन आ रहा है, तो हम क्या करेंगे वी सी को ले लेंगे कॉमन, और अंदर लिखेंगे एम वन आर वन सी प्लस एम टू आर टू सी, इस तरीके से हम लिख लेंगे, और ये हमारा ऐसे ही आगे की ओर बढ़ जाएगा, ठीक है। अब हमारा एक लास्ट टर्म आएगा ये वाला, देखते हैं इसमें क्या है, एम वन आर वन सी वी वन सी, एम टू आर टू सी वी टू सी, तो बच्चों ये हमारा ऐसे ही रहेगा, और इसको हम लिखते हैं एम वन आर वन सी वी वन सी, ठीक है, प्लस एम टू आर टू सी वी टू सी, ठीक है, और ये हमारा इस तरीके से ऐसे ऐसे बढ़ता चला जाएगा, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इसको देखेंगे ये क्या है, इसको देखेंगे ये क्या है, इसको देखेंगे इसकी वैल्यू कितनी आती है, और फिर देखेंगे इसकी इसकी वैल्यू कितनी आती है, ठीक है, इसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले हम ये करते हैं, तो देखिए क्या हो गया एम वन या आर वन बी सी, और ये आया एम वन प्लस एम टू प्लस दिस, तो बच्चों ये हमारा सिंपली हो गया आर सी वी सी, और ये पूरा का पूरा हो गया हमारा एम, ये पूरा का पूरा हो गया हमारा एम, इस तरीके से। तो ये हमारा आ गया एम वी आर, अगर हम इसको कायदे से लिखें तो ये आ गया एम वी सी आर सी, इस तरीके से ये हमारा आ गया, इसको तो हमने लिख लिया, ये हमारा पहला टर्म आ गया। दूसरे को देखते हैं कि हमारा क्या आता है, और इसकी कहानी थोड़ी हमको यहाँ पे बनानी पड़ेगी और आपको समझाना पड़ेगा, हालांकि ये बात मैं अभी दो बार आपको समझा चुका हूँ, तीसरी बार मैं आपको फिर समझा रहा हूँ, और ये समझ जाएंगे तो आपका बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। हम इसको पूरे के पूरे को उठाते हैं, देखिए क्या लिखा है हमारा, ये लिखा है आर सी एम वन वी वन सी प्लस एम टू वी टू सी प्लस एम थ्री वी थ्री सी, इस तरीके से आएगा, और ये आगे चलता चला जाएगा, ठीक। अब देखिए क्या हुआ, फिर वही काम करते हैं कि इस पूरे एक्सप्रेशन को अगर हम एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री ऐसे डिवाइड करके फिर इतने से ही मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बच्चों। अब ये एक्सप्रेशन बच्चों हमारा क्या है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, अभी हम दो बार कर चुके हैं, तो देखिए क्या आ जाएगा, आरसी आ गया इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आ गया विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, और इनटू आएगा हमारा एम वन प्लस एम टू
प्लस एम थ्री इस तरीके से आ जाएगा। बच्चों ये होगा जीरो, और जीरो क्यों होगा ये मैं आपको दो बार बता चुका हूं, तीसरी बार फिर बता रहा हूं। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास हमारा जीरो होगा। अगर हम कोई गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो हमारी खुद की वेलोसिटी खुद के रिस्पेक्ट में जीरो रहेगी, हम अपने आप को जो है रेस्ट में फील करते हैं, हमारी वेलोसिटी नहीं होती। कोई दूसरा आदमी हमको देखेगा गाड़ी पे जाते हुए तो उसकी नजर में हमारी एक वेलोसिटी होगी, हमारी खुद की वेलोसिटी खुद के रिस्पेक्ट में जीरो होगी। तो यहाँ पे है सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास जीरो होगी। तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन हमारा हो जाएगा जीरो, ठीक है। तो ये टर्म हो गया हमारा जीरो, तो इसको हम हटा देते हैं, तो ये हो गया जीरो। अब देखते हैं तीसरा टर्म, ये होगा ठीक है, तीसरा टर्म देखते हैं क्या आता है इसकी वैल्यू। ठीक, एक एक चीज को बहुत ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, धीरे धीरे वीडियो की स्पीड स्लो कर लीजिए, आगे पीछे करके देखिए और फिर इसको निकालिए। आपको ये समझ में आ गया तो आपके लिए आगे की कहानी बहुत इजी हो जाएगी, ठीक है। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है वीसी एम वन आर वन सी प्लस एम टू आर टू सी प्लस एम थ्री आर थ्री सी, इस टाइप का एक्सप्रेशन हमारा बन रहा है। अब हम इसको डिवाइड करें किस चीज से, एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री से, और इसको मल्टीप्लाई करें एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री एंड सो ऑन से, इस तरीके से। तो बच्चों जरा ये एक्सप्रेशन देखिए, ठीक है, ये बच्चों हमारा देगा पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये वाला एक्सप्रेशन जो था पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास में हमने क्या पढ़ा था, हमने सब पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, उसके बाद पढ़ा था वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, उसके बाद पढ़ा था हमने एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो ये वाला जो फॉर्मूला है ये पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का है। और बच्चों यहां पे देखिए जो हमारी आएगी कैलकुलेशन वो आएगी पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, ठीक है, और इसके मल्टीप्लीकेशन में आएगा एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री और इस तरीके से। अब देखिए सेंटर ऑफ मास से सेंटर ऑफ मास की दूरी, ठीक है, जैसे हमको डिस्टेंस निकालनी है दो बीच में, तो इसके रिस्पेक्ट में इस मेरे इस हाथ के रिस्पेक्ट में इसकी दूरी कुछ होगी, लेकिन हम देखें अगर इस हाथ की दूरी ये इसकी दूरी इसी के रिस्पेक्ट में कितनी होगी, जीरो हो जाएगी। मतलब सेंटर ऑफ मास की दूरी सेंटर ऑफ मास से क्या होगी, वो दूर जीरो हो जाएगी। तो बच्चों ये फैक्टर हो गया जीरो। अब जीरो का मल्टीप्लीकेशन इतने लंबे एक्सप्रेशन से हो जाएगा तो ये पूरा का पूरा हो जाएगा हमारा जीरो। तो बच्चों ये वाला टर्म भी हमारा हो गया जीरो, ठीक है, ये वाला टर्म भी हमारा हो गया जीरो। तो हम यहां देख देते हैं जीरो। अब देखते हैं ये लास्ट वाला जो टर्म बचा है इसकी वैल्यू हमारी कितनी आएगी, ये हम देखते हैं। अब देखिए ये जो एक्सप्रेशन है इसको हम ऊपर लिख करके इसकी एनालिसिस करते हैं। तो देखिए एक्सप्रेशन हमारा क्या है, एक्सप्रेशन है एम वन आर वन वी वन सी, ठीक है, एम वन आर वन वी वन सी प्लस एम टू आर टू वी टू सी प्लस एम थ्री आर थ्री वी थ्री सी, इस तरीके से हमारा एक्सप्रेशन आएगा पूरी बॉडी के लिए एन टर्म्स तक, ठीक है। अब देखिए इसमें कुछ तो कॉमन आ ही नहीं रहा, सबके अपनी अपनी खासियत है। अब आज बात करते हैं वी वन सी वी टू सी वी थ्री सी की। वी वन सी क्या है, वी वन सी है वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, देखिएगा फिर से सुनिएगा, वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ सेकंड पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ थर्ड पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास क्या है, सेंटर ऑफ मास सी हमारा ये है। वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो होगी बच्चों वो हमारी होगी सिर्फ और सिर्फ रोटेशनल वेलोसिटी, रोटेशनल वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास के अबाउट कोई भी पार्टिकल हमारा सिर्फ जो है रोटेशनल मोशन में है तो सिर्फ हमारी रोटेशनल वेलोसिटी होगी सेंटर ऑफ मास के अबाउट, और वो होगी हमारी टेंजेंशियल वेलोसिटी, वो होगी हमारी बच्चों टेंजेंशियल वेलोसिटी, और वो क्या आएगी, वो आएगी वी वन सी आएगी बच्चों हमारी आर वन ओमेगा, ठीक है, आर वन ओमेगा का है या हम बोले आर वन सी ओमेगा, क्योंकि देखिए हमने इसको आर वन सी आर टू सी मांगा था तो आर वन सी ओमेगा, ठीक है, आर वन सी ओमेगा इस तरीके से ये आ गया। और देखिए ये क्या हो जाएगा, वी टू सी हो जाएगा हमारा आर टू सी ओमेगा, इस टाइप से ये हमारा आता चला जाएगा, इस तरीके से ये हमारा आता चला जाएगा। मैं यहां पर लिखना भूल गया, देखिए आर वन सी लिखा है ये और ये आएगा आर टू सी, लास्ट में आएगा आर वन सी आर टू सी, इस तरीके से आएगा, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई मेरे से तो इसको सही कर लीजिए। ये हो गया देखिए आर वन सी आर टू सी आर थ्री सी ओमेगा, इस टाइप से ये हमारा आएगा, ठीक है। तो देखिए बच्चों क्या होगा, इस तरीके से
V3C हो जाएगा हमारा R3C ओमेगा, ये आ गया। फिर से बात को समझ लीजिए, देखिए ये हमारा पार्टिकल है पहला, इसकी वेलोसिटी हमने निकाली विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, तो वो हमारी क्या होगी R1C ओमेगा और ये होगा हमारा R2C ओमेगा। इस तरीके से ये हमारा निकल के आएगा, यही मैंने यहां पे रखा था। देखिए R1C लिखा था, इसका मल्टीप्लिकेशन यहां हुआ, इसका मल्टीप्लिकेशन यहां हुआ, ये लास्ट में मैं लिखना भूल गया था, मैंने अपनी गलती करेक्ट कर ली, मुझे माफ कर दीजिएगा, थोड़ी बहुत मिस्टेक हो गई। अब देखिए इसके बाद क्या होगा, V1C V2C V3C की वैल्यू हम यहां पर इस तरीके से रखते जाएंगे, ठीक है। तो जो वैल्यू आई उसको हम यहां रख रहे हैं, ठीक। तो देखिए क्या आता है, हम इसको यहां पर बिगाड़ रहे हैं, क्यों होगा, ठीक है, ठीक। तो देखिए क्या आएगा हमारा M1 R1C और V1C होगा हमारा R1C ओमेगा, ये आ गया इस तरीके से, प्लस M2 R2C और ये आ गया R2C ओमेगा V2C, प्लस M3 R3C प्लस आ गया हमारा R3C ओमेगा, इस तरीके से आ गया। बच्चों अगर हम इसको फर्दर करेंगे तो आ जाएगा M1 R1C स्क्वायर ओमेगा प्लस M2 R2C स्क्वायर ओमेगा प्लस M3 R3C स्क्वायर ओमेगा एंड सो ऑन। बच्चों ओमेगा इसमें से आएगा कॉमन, तो हम आएगा M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर CC प्लस M3 R3C स्क्वायर, ठीक है। ये इस तरीके से चलेगा और ये बच्चों आ जाएगा हमारा ओमेगा, ठीक है, ये बच्चों आ जाएगा हमारा ओमेगा। और देखिए फाइनली फिर हमारा क्या आता है, इसको आप देखिए, तो ये हमारा आ जाएगा, ये हो गया हमारा I1 प्लस I2 प्लस I3 एंड सो ऑन और ओमेगा, और बच्चों ये फाइनली आ जाएगा आई सी ओ एम ओमेगा। तो हम इसको यहां पर इस तरीके से रखेंगे, वो हो जाएगा आई सी ओ एम ओमेगा, ठीक है बच्चों। तो हमारा क्या होगा, फाइनल जो हमारा फार्मूला हमको फाइंड आउट हुआ, फाइनल जो हमारा फार्मूला हमको फाइंड आउट हुआ, एक ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन में बॉडी का एंगुलर मोमेंटम का, वो हमको मिला एल नेट बराबर क्या मिला हमको, एम आर सी वी सी प्लस आई सी ओ एम ओमेगा, ये हो गया, ठीक है। अगर हम इसको कायदे से लिखें तो ये हमारा देखिए कुछ इस तरीके से आ रहा है, आर सी एम वी सी ओ एम, ठीक है, ये आ गया प्लस आई सी ओ एम ओमेगा। बच्चों ये हमारा फाइनल और नेट एंगुलर मोमेंटम आ रहा है उस बॉडी का जो कि हमारी ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन में है, उसका ग्राउंड से किसी पॉइंट के अबाउट जो हमारा एंगुलर मोमेंटम आ रहा है वो बच्चों ये आएगा, ठीक है, ये आएगा। इसका मैंने आपको पूरा जो है पॉइंट टू पॉइंट पूरे एक एक कंसेप्ट के साथ मैंने इसका आपको डेरिवेशन करा दिया। अब यदि आप बड़े एग्जाम देने जा रहे हो जेई का नीट का, तो हो सकता है इस कंसेप्ट को अगर आपने समझ लिया तो हो सकता है इसी कंसेप्ट पे बेस में कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिल जाए, कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल सकता है, ठीक है। अब क्वेश्चन पे ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके से होगा। आज का वीडियो इतना लंबा हो गया, इतना लेंदी था कि मैंने इसमें कोई भी न्यूमेरिकल नहीं डाला है। बच्चों ये मेरा जो है बेसिक इंट्रोडक्शन हुआ ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन के कंसेप्ट का। बच्चों अब मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, जिसमें मैं बात से आपसे करूंगा रोलिंग के बारे में, उसमें हम पढ़ेंगे रोलिंग, प्योर रोलिंग और इम्प्योर रोलिंग के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए, थैंक यू।